नमस्कार, रागगिरी वीकेंड इंटरव्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और इस हफ्ते हमारे खास मेहमान हैं मिलिंद दाते जी। हमारे साथ स्क्रीन के दूसरे हिस्से में वो आपको दिखाई दे रहे हैं। बातचीत शुरू करें उससे पहले परंपरागत तरीके से आपका बहुत बहुत स्वागत है मिलिंद जी। नमस्ते जी। बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ ये जूम पे। सौभाग्यशाली देखिए, ये भी क्या, है। बिल्कुल, ये भी क्या तकनीक का मतलब, कोविड बोलिए। और तकनीक दोनों ऐसा एक साथ आए हैं कि अब सब कुछ हम लोग जूम पर भी बहुत सारी चीजें कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं। मेरे बराबर है, बराबर है। परंपरागत तरीके से जो पहला प्रश्न हम लोग जानना चाहते हैं अपने मेहमान से, किसी से भी, वो यही जानना चाहते हैं कि उसके संगीत सफर की शुरुआत कैसे हुई थी। तो आपसे भी ये जानना चाहेंगे कि आपके संगीत सफर की शुरुआत कैसे हुई, और खास तौर पर इसलिए भी ये प्रश्न जानना चाहेंगे क्योंकि आपने विधिवत तालीम जो शुरू हुई वो थोड़ी उम्र के हिसाब से लेट शुरू हुई, तो उसके पीछे की पृष्ठभूमि क्या थी, बचपन में क्या संगीत से कोई कनेक्ट था या नहीं था, ये सब जरा विस्तार से बताइए। अच्छा, यस, मैं बोल कुछ भी बोलने से पहले एक थोड़ा सा माफी चाहता हूँ। हमारा हिंदी बहुत अच्छा नहीं है, तो थोड़ा गलती हो गया, तो थोड़ा सा माफ कर देना, संभाल के लेना। थोड़ा सा हमारा जरा मराठी मराठी हिंदी है, महाराष्ट्रीयन हिंदी है थोड़ा। खैर, कोई समस्या नहीं है, आप तो बिल्कुल ऐसा मराठी हिंदी था बोलिए। कि ऐसा था कि मैं जब स्कूल में था तो घोष में जो कुछ बांसुरी बजाता था और भी कुछ अलग-अलग वाद्य बजाता था, तो वो मेरे वैसे शुरुआत हुई। लेकिन आज के हिसाब में देखा जाए तो वो जो वादन किया जाता था, घोष का जो वादन किया जाता था, वो रचनाएं होती है, छोटी छोटी रचनाएं कि जिसमें संचलन चलता है। जो भी कोई करते हैं वो 120 बीट्स पर मिनट इस पे चलते हैं वो सब, तो उसी में होते हैं। अलग अलग रागों पे आधारित रचनाएं किया होती है वो, तो वो सब तो वो उस हिसाब में उस उम्र में तो मुश्किल था, लेकिन मैंने तो कर दिया वो। बात ऐसी है कि मेरा तो कोई फैमिली में मेरे कोई म्यूजिक वाले कोई है नहीं, वो तो बिजनेस वाले हैं या तो शैक्षणिक संस्थाओं में। मेरी माँ तो स्कूल टीचर थी, तो संगीत का तो उतना ही ऐसा रहा। लेकिन जैसे मैं कॉलेज में गया, फर्गसन कॉलेज में मैंने पुणे में एडमिशन लिया, तो वहाँ थोड़ा साइड का फ्लूट भी बजाना चालू कर दिया मैंने, और वो बच्चों को अच्छा लगने लगा। और वो जैसे जैसे वो थोड़ा सा अप्रिशिएट करते गए तो एक एनकरेजमेंट मिलता है उसमें, तो कोई तो रिजल्ट मिलता है कि कुछ मैं बजा रहा हूँ कुछ तो, क्योंकि उस समय पता नहीं चलता है मैं अच्छा बजा रहा हूँ, बुरा बजा रहा हूँ, क्या बजा रहा हूँ, क्या कुछ समझ। और खानदान में अगर है संगीत तो बात बहुत आसान पड़ती है, क्योंकि हम जब पैदा होते हैं बच्चे तब से ही वो संगीत सुनते सुनते ही, उसके से पहले भी संगीत सुनते हैं और बड़े हो जाते हैं, तो बहुत फर्क पड़ता है उसमें। फिर भी मैंने जब चालू किया बजाना, स्कूल कॉलेज में तो ज्यादा मैंने तो साइंस लिया था, तो इसमें ऐसा हो गया कि मुझे भाग्यवश से एक बहुत ही अच्छे गुरु मिल गए। उनका नाम था पंडित अजित सोमन, ये हमारे पूना के रहवासी थे। अभी तो वो नहीं, दुर्देव से नहीं रहे, उनका देहांत हो गया कुछ बरस पहले, लेकिन ही वॉज अ जीनियस टीचर। मराठी में हम बोलते कि हड़ाता शिक्षक है, यानी कि अंदर से वो शिक्षक थे। तो उन्होंने ऐसा मुझे गाइड किया, ऐसा मुझे सिखाया, और मुझे उसमें 1-1.5 बरस में मैं ऑलरेडी प्रोफेशनली बाहर बजाना चालू कर दिया था। कोई हिंदी ऑर्केस्ट्रा में बजा रहा हूँ, कहाँ बजा रहा हूँ, तो एक तब के जमाने में एक मिलन सिंह करके एक गायिका थी, वो कोई 22 आवाज में गाती थी, और मोहम्मद रफी का उनका आवाज तो बहुत ही फेमस था, किशोर के आवाज में, सबके आवाज में। उनके साथ मैंने बहुत प्रोग्राम किए, कम से कम 100-150 प्रोग्राम ऐसे ही किए होंगे, और वो बहुत ही
पॉपुलर थे उस जमाने में, तो उनका एक भी प्रोग्राम मुझे याद नहीं कि जो हाउसफुल नहीं है। बाहर मारपीट होती थी लोगों को अंदर आने के लिए, टिकट ब्लैक में चले जाते थे, जैसे कि सिनेमा के चले जाते थे ब्लैक में, वैसे वो चले जाते थे उसके उनके प्रोग्राम के टिकट्स ब्लैक में। तो वो प्रोग्राम मैंने बहुत बजाया, तो उससे भी एक्सपीरियंस ज्यादा बढ़ते चला गया। और उस ही दौरान 1989 1 जुलाई 1989 में मेरी पूरी जिंदगी जिंदगी बदल गई, क्योंकि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी ने मेरा शिष्य करके स्वीकार कर लिया। और वो तो मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था उनके पास मैं जाके सीख पाऊंगा। तो उन्होंने उनको ही शायद समझा होगा कि ये बच्चे में कुछ है, थोड़ा सा कुछ कर पाएगा, यहाँ से उठाया तो एक 4 कदम आगे जा सकेगा। तो बस उनके पास जैसे मैं सीखना चालू किया, तो वो पूरा विश्व ही बदल गया, मेरी पूरी जिंदगी वहां से बदल गई। और 1989 में 1 जुलाई को मैंने उनका जन्मदिन होता है 1 जुलाई, तो उनसे मिलने गया था, तो वहां से चालू हो गई मेरी शिक्षा। और 1991 में मैंने ऑलरेडी हृदयनाथ मंगेशकर जी, आशा भोसले जी, और ये सुरेश वाडकर जी, पीनाज मसानी, और बहुत उषा मंगेशकर जी, और बहुत सारे बड़े बड़े गायक लोगों के साथ मैंने अकम्पनीस करके बजाया था। दो दो बरस में ये सब जो भी कुछ था वो 1989 से 1991 में तक हो गया। तो शुरुआत तो ऐसे हो गई, बाद में आगे जैसे जिंदगी जाती है वैसे जाती रही। आपने मिलिन जी बहुत अपने अपनी उपलब्धियों को कहना चाहिए, अचीवमेंट्स को बहुत ही कट शॉर्ट कर दिया, और यही शायद एक कलाकार का हम्बल अप्रोच भी होता है। मुझे भी जानकारी है, और चूंकि हरि जी का बहुत स्नेह रहा है हमारी संस्था के प्रति, कि अपने जन्मदिन की, उनका जन्मदिन होता है 1 जुलाई जिसका आपने जिक्र किया, लेकिन ये बहुत दिलचस्प है जानना। और शायद मैं एक वजह मैं बताता हूं, अगर सही होगी तो आप बताइएगा। पंडित हरि प्रसाद चौरसिया जाने जाते हैं पूरी दुनिया में आज की तारीख में बांसुरी का जो एक शास्त्रीय पक्ष है उसको लेकर, क्लासिकल उसको लेकर। आप बजा रहे थे मिलन सिंह जी के साथ, जो महिला होते हुए पुरुषों की आवाज में गाना गाती थी, फिल्मी गाने गाती थी, उसमें किशोर रफी हम लोगों ने बहुत सुना है उस दौर में। जब आपको हरि जी ने स्वीकार किया होगा कि हाँ ठीक है मैं तुम्हें सिखाऊंगा, तो क्या उसके पीछे ये वजह थी कि हरि जी खुद फिल्मों में बजा चुके थे, हरि जी खुद शिव हरि की जो जोड़ी थी उसका एक हिस्सा थे, और फिल्म संगीत को लेकर उनका कोई बायसनेस नहीं था, जो कई बार होता है ना कि अरे ये तो फिल्म संगीत है, हम तो शास्त्रीय वाले हैं, हम तो ये नहीं बजाते, हमको तो बहुत, ये क्या बात हुई, ये दम नम दुम दुम हम नहीं करते, हम तो प्योर बिलावल बजा रहे हैं तो बिलावल बजाएंगे, यमन बजा रहे हैं तो यमन बजाएंगे। क्या ये संयोग इसलिए बन पाया क्योंकि खुद हरि जी म्यूजिक, फिल्म म्यूजिक से जुड़े हुए थे, उनका कोई दुराव नहीं था, कोई बायसनेस नहीं था, इसलिए उन्होंने आपको स्वीकार किया शिष्य बनाने के लिए? मुझे सच बताऊं तो उन्होंने मुझे क्यों स्वीकार किया ये मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मैं 1989 में उनके पास सीखना चालू कर दिया। तो मेरे बाद में समझा मुझे कि पहले 4-5 बरस, उसके बाद 4-5 बरस उन्होंने किसी को भी शिष्य करके स्वीकार ही नहीं किया। 92 के बाद, 91-92 के बाद उन्होंने शिष्य लेना चालू कर दिया, और उस समय इतने बिजी थे, इतने बिजी थे, तो कई बार ऐसा होता था कि हम पुणे से फोन करते थे कि गुरुजी मैं कब आ जाऊं, गुरुजी बोलते थे यही परसों परसों आ जाओ, कोई चलो थर्सडे को आ जाओ, गुरुवार को आ जाओ। तो बृहस्पतिवार को हम गए तो घर में रह नहीं रहते थे, माँ जी बोलती थे अरे वो तो रिकॉर्डिंग चले गए, कभी बोलती अरे वो सिंगापुर चले गए, 2 दिन में प्रोग्राम आता है, वो निकल जाते थे, तो वापिस आता था मैं। तो बाद में मेरा एक मित्र आईआईटी बॉम्बे में उसने एडमिशन लिया, वो होशियार था जरा, अभ्यास वगैरह वो सब करता, मेरी वो कोई लायकी नहीं थी, वैसे उसके रूम पे जाके, वो एक दूसरा मित्र था, उसके पिताजी भी बाद में वहाँ जॉब करते थे,
तो उसके घर में भी मुझे एक रहने के लिए जगह मिल गया, क्योंकि बंबई में तो वैसे मेरा कोई भी रिश्तेदार तो है नहीं, मित्र परिवार भी नहीं है, अभी है लेकिन उस समय तो उस जमाने में तो था नहीं। मैं तो पूना का छोटा बच्चा, और एक दूसरा हमारा मित्र है वो बहुत प्रख्यात डेंटिस्ट है, तो वो उन्होंने उस उसने गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज में उसको एडमिशन मिल गया, तो वो वहाँ उसके रूम पे कभी कभी मैं जाते, बहुत समय उसके रूम पे रहता था, तो रहने का एक थोड़ा सा इंतजाम हो गया। तो उन्होंने मुझे क्यों बुलाया मुझे मालूम नहीं, लेकिन ऐसा शायद हो सकता है कि मुझे देख के उनको शायद कोई विश्वास आया होगा कि ये बच्चा कुछ कर पाएगा। और ये सब चीजें होती है ना, ये बड़े लोगों की मैंने देखी है कि जो जो ये अपने क्षेत्र में बहुत ज्ञानी आदमी होता है, कोई भी क्षेत्र हो, चाहे कोई ये हो अपना इंडस्ट्री हो, या चाहे म्यूजिक हो, या चाहे फिल्म डायरेक्शन हो, या चाहे पॉलिटिक्स हो, आप बहुत सारे समय ये ऐसी कहानियां सुनते होंगे कि कोई बच्चा जा रहा था और कोई लड़का था, और किसी एक कोई जूनियर बंदा था, उसको जनरल मैनेजर ने बुलाया और या एमडी ने बुलाया कि अरे क्या कर रहे हैं चलो, एंड ही मेंटर्ड हिम, और वो आगे जाके कोई वाइस प्रेसिडेंट कोई कंपनी का बन गया। या पॉलिटिक्स में कभी कभी हम देखते हैं कि कोई विद्यार्थी गण से कोई बड़े पॉलिटिशियन कोई किसी किसी को उठाते हैं, 20 बरस आगे जाके वो भी आदमी बहुत बड़ा पॉलिटिशियन। तो वो ये लोगों को, बड़े लोगों को एक कहाँ तो एक एक कुछ उनमें उनमें होता है कुछ, कि वो ये बराबर उनको समझते हैं कि ये बंदा है ये कुछ कर पाएगा, और जितना मैं कर पाया उतना कर पाया। और मैं तो यह हमेशा यही बोलता कि जितना जहाँ जो यहाँ दिखा है उतना ही होता है, चाहे जितना मैं कष्ट करूं उससे ज्यादा तो होने वाला नहीं और कम तो होने वाला नहीं। तो कष्ट करते रहने का, प्रयास करते रहने का, जो जो साधना जो है वो करते रहने। आपने और एक बात की, वो एक बहुत गहरी बात है कि बहुत सारे शास्त्रीय संगीत वाले बोलते हैं कि अरे ये फिल्म वालों का क्या है, वो फिल्म में कुछ नहीं है क्या, उसमें क्या क्या रहने रहे बजा रहे में कुछ है, और बहुत सारे फिल्म जगत के लोग बोल रहे वो क्या एक एक घंटा आऊं करते बैठने का क्या, उसमें कुछ साला सो लोग सामने सो जाते, मैंने एक गाना रिलीज किया तो अभी देखो 4 लाख व्यू एक रात में मिल गए, और क्लासिकल को तो कभी इतने व्यू मिलने वाले नहीं है। तो ये दोनों तरीके से एक मैं बोलूंगा कि ये एक अजीब सी बात है, बहुत सारे लोगों ने दूसरा विश्व देखा नहीं होता है। और जैसे आपने राइटफुली एकदम बराबर बोला आपने कि गुरुजी हमारे गुरुजी पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी फिल्मों में भी बहुत बजाए, फिल्मों कंपोज भी किए, लता जी के साथ बहुत काम किया, और सबके साथ काम किया, उसमें भगत राम जी से लेके रवि जी से लेके आर डी बर्मन से लेके लक्ष्मीकांत लाल जी के साथ, और सब सब म्यूजिक डायरेक्टरों के साथ उन्होंने बहुत काम किया, और उतना ही 12 12 घंटा रियाज करते हुए, 18 18 घंटा रियाज करके क्लासिकल में शास्त्रीय संगीत में भी ऐसा अपना खुद का एक नाम तैयार कर दिया कि वो दूसरा करना मुश्किल है अभी किसी को, वो तो करना इम्पॉसिबल है। और ये इसमें राग की शुद्धता जो है, तो जो आप बोल रहे थे कि प्यूरिस्ट लोग होते हैं, तो यह राग की शुद्धता गुरुजी ने ऐसी पकड़ के रखी और हमको भी सिखाई कि मैं भी अभी कभी कभी थोड़े फार दो चार पांच शिष्य है मेरे, वो भी आते हैं, तो मैं उनको हमेशा बोलता हूं कि सबसे सुप्रीम परफॉर्मर के लिए सबसे सुप्रीम क्या है, तो राग है, उससे आगे कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं, राग इज द सुप्रीम है। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, क्या गा रहे हैं, तो राग गा रहे हैं, मैं यमन गा रहा हूं, अगर यमन को मैं तोड़ना फोड़ना, अरे अच्छा लगता है तो ये ऐसा, चलो ये अच्छा लगता है, तो जो आपको अच्छा लगता है वो शायद यमन राग को मान्य नहीं, सर्वमान्य है नहीं। तो राग को कभी भी, वो हमारे गुरुजी ने हमको सिखाया कि राग को कभी भी सबसे सुप्रीम राग है, उससे आगे क्या आता है, अपना वाद्य आता है।
या तो गला होगा या तो अपना वाद्य होगा, क्योंकि वो राग कैसे हम दिखाएं तो वो वाद्य से दिखाएं, सरोद हो या सितार हो या वायलिन हो या बांसुरी हो या और कोई भी आप गा रहे हो, जो भी कुछ है। तो गाने वाला भी है, उसका जो भी कोई 2 2.5 3 ऑक्टेव का उसका रेंज है, उससे बाहर गाना गाने की कोशिश कर गया तो होने वाला नहीं। उसके बाद आपका खुद का पर्सनालिटी है, आपका घराना है, आपका मूड उस दिन का है, आपकी तबीयत उस दिन अगर अच्छी है खराब है, तो आपका माइंड सेट एकदम उल्लासित है और या डिप्रेस लगता है, जो भी कुछ है वो सब बाद में है। तो ये जो है ना, ये प्योरिटी रखना जरूरी है। और ये बात में वो क्लासिकल वाले भी सही है और जो लाइट वाले फिल्म वाले जो बोलते हैं कि 4 10 सेकंड में, 12 सेकंड में, 12 सेकंड में वो पूरा दिखाना है, बिल्कुल, वो भी मुश्किल चीज। बहुत मुश्किल। लता जी या आशा जी या सुरेश वाडकर दादा, इनका गाना हमने अगर सुना, या रफी साहब, इनका गाना सुना कि ऐसे ऐसे एक एक जगह जो आती है, एक हरकतें आती है उनके गाने में, तो समझता नहीं कि इतने धन तचिक धन धन इतनी ही जगह में उतना उनको टाइम मिला ही कैसे। ऐसा लगता है कि उनके लिए टाइम एक्सपांड होता है, ऐसा गला फिरता है, गला सबका फिरता है, क्लासिकल में फिरता नहीं है, सबका फिरता है, जो अच्छा गाता है उसका गला फिरता ही है, लेकिन उनका बराबर मालूम होता है कि कैसा जाए कैसा जाता है, बराबर उनको। तो ये उतने ही टाइम में करके पूरा उसमें जो भी कोई कंटेंट है, जो एक इमोशन है, जो शब्दों का आ, आ, अर्थ है, वो सुनने वाले तक पहुंचाने का काम, ये फिल्म वालों को, उपशास्त्रीय संगीत गाने वालों लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से समझा है। शायद मुझे मालूम नहीं, मैं तो गाता नहीं हूं, मेरा उतना अभ्यास नहीं है गायकी का, लेकिन शास्त्रीय संगीत में उतना महत्व शब्दों को मुझे तो लगता नहीं कि जितना फिल्म म्यूजिक में उस जमाने में था। आजकल के फिल्म का तो मुझे मालूम नहीं वो क्या चलता है, मैं ज्यादा सुनता भी नहीं, लेकिन जो मजरूह सुल्तानपुरी थे और आनंद बख्शी साहब थे और ये एक से एक दिग्गज लोग जो थे, तो उनकी एक एक काव्य जो है वो लोगों तक पहुंचाना, वो काव्य का शब्द जो होता है, और ये उनका माधुर्य था ये। सो ये दोनों अलग है, अलग अपने अपने जगह में बहुत बड़े हैं। शास्त्रीय संगीत ये पूरे गायकी का, हिंदुस्तानी गायकी का एक आधार है, लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं होता कि वो अच्छा नहीं है, और ये अच्छा बुरा सब जगह पर होता है। कोई अब मैं एक बार ऐसे सवाई गंधर्व, हमारे जो हम बहुत बड़ा फेस्टिवल होता था, होता है अभी भी, 2 बरस हुआ हुआ नहीं अभी, वो कोविड के कारण अभी इस बरस शायद होगा वो, तो मैं एक बार गया था, बहुत पुरानी बात है, तो कोई अमन चालू था, अंदर चलता है तो मेरे मन में एक ही पहला विचार ऐसा आ गया कि अरे कोई अमन में चिल्ला रहा है, तो वो गाने से भी चिल्लाने का, अरे क्या कर रहे हो यार, आ जाओ यहाँ, ये जो एक होता है ना वो फील उनके ना। तो सब जगह सब अच्छे, इसमें क्लासिकल में सब अच्छे और फिल्म में सब बुरे, और फिल्म में सब अच्छे क्लासिकल में, ऐसा होता नहीं। तो गुरुजी के पास जाने का मुझे तो एक बहुत बड़ा फायदा हो गया कि मुझे दोनों अंग मिल गए। शास्त्रीय संगीत का तो अभ्यास दिन का होता है, मैंने हमने भी 18 18 घंटा रियाज किया, ज्यादा भी किया है, और एक एक जो हम उन्होंने फिल्मों में बजाया हुआ टुकड़ा है, वो एक एक के पीछे क्या है, कितना सोच होगी उनकी, या प्यारे भाई की, या आरडी बर्मन साहब, जो भी कोई इनके अरेंजर थे, सेबेस्टियन शंकर जी, जो भी कोई, हरे इतने इतने जबरदस्त लोग होके गए, अभी भी है, तो उनका सोच था। अभी अमर हदीपुर कर जी है, उनसे भी मेरी बहुत अच्छी बात हो गई, बस वो भी यही बोल रहे थे कि वो जो इतनी ही जगह में वो जो दिखाना है वो बहुत मुश्किल चीज। तो ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है वैसे देखा जाए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आपकी आप, ये शुरुआत बहुत में बिल्कुल बिल्कुल ऐसा मैं इतना विषय निकाला तो बोलते गए, मैं जरा ज्यादा ही नहीं बोला नहीं बिल्कुल दादा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बहुत वृहद विषय है, शायद। और आपने बहुत सही बात कही कि ये कह देना किसी शास्त्रीय कलाकार को के लिए, ये कहना कि फिल्म संगीत दोयम दर्जे का है, या फिल्म संगीत वाले के लिए ये कहना कि नहीं नहीं ये तो बहुत ही उबाऊ है या बोरिंग है, ये दोनों ही चीजें बराबर गलत हैं। इसका इसका बिल्कुल सही इसमें बात, कोई बराबर कोई मत ही नहीं है।
6 मिनट, 5 मिनट या 6 मिनट के गाने में, उसमें भी दो तीन स्टैंजा में बकायदा राग बेस्ड गाने बने हैं हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के। ऐसे ऐसे उदाहरण हैं जहां पर रागों पर आधारित गाने बने हैं और एक से एक लोकप्रिय गाने बने हैं। वो बहुत, अभी जरूर आपको मैं बताइए, वही उदाहरण देखिए जरूर बताइए। दादा, फिल्म कुदरत का हमें तुमसे प्यार कितना, अब वही जब परवीन सुल्ताना जी गाती हैं तो मिश्र भैरवी में गाती हैं और उसमें क्या ऑर्केस्ट्रा है और क्या वो गाना बिल्कुल अलग लेवल पे ले जाता है। तो इसलिए ये एकदम एक एकदम दूसरे की कला का सम्मान होना चाहिए, बेसिक चीज ये है। आप दादा ये भी जानना चाहेंगे, चूंकि अब आपके बहाने से हरी जी की बात छिड़ गई है, तो हरी जी को हम एक कलाकार के तौर पर बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत सुना है हमने उनको, लेकिन आप उनको एक व्यक्ति के तौर पर भी जानते हैं क्योंकि आपको उनसे 1-to-1 बैठ के सीखने का मौका मिला है। कुछ उनकी शख्सियत के, उनकी पर्सनालिटी के ऐसे पहलू जो लोगों को ना पता हो, या कोई ऐसा दिलचस्प किस्सा जो लोगों को ना पता और आप हमसे शेयर करना चाहें। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन गुरु जी से के बारे में बोलने से भी पहले मैं उनके बीबी के बारे में बोलना चाहता हूँ। मैं जब नया नया था, मैं तो कॉलेज में था तब, तो तब मैं उनके पास दूसरी बार गया। पहली बार गया था उनके जन्मदिन पर गया, वो अगले संडे जो भी कोई संडे था, उस दिन हमारा दूसरा क्लास था। तो मैं पुणे से गया तो जरा जल्दी जाके पहुंचा, क्योंकि सुबह 6 की गाड़ी ट्रेन पकड़ के, क्लास कोई 10:30 का था या 11 का था, तो मैं 10:15 बजे उनके घर पहुंचा। और माँ जी बैठी थी, माँ जी ने पूछा चाय पियोगे, मैंने हाँ पीऊंगा। तो उन्होंने किसी को बोला कि यार इनको एक चाय देना, तो अब एक बंदा आके मुझे चाय दे के गया। तो उस जमाने में तो जैसे मैंने बोला कि मेरे को हमारा जो परिवार है, फैमिली है मेरी, तो वो सब बिजनेस और एजुकेशन में है, तो उनका संगीत से कुछ नाता है नहीं। तो ये जो सुना था, क्योंकि उसके पहले मैं 1.5 बरस अजीत चाचा के यहाँ उनके पास सीख रहा था, तो अलग अलग सी बातें, तो कोई मित्र बने हुए थे पुणे जैसे शहर में, तो इतने प्रोग्राम होते हैं सीजन में कि हर प्रोग्राम में जाते थे, तो पैसे तो थे नहीं, गेट क्रैश करके आते थे। ऑर्गेनाइजर को भी मालूम होता था ये बंदा लूट बजा रहे सीख रहे, तो उनको भी मालूम है अगर ये प्रोग्राम सुनेगा नहीं तो सीखेगा कैसे। तो बोलते थे कि स्टेज पे पीछे बैठो, ऑडियंस में किसी को और किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए। तो हम कभी कभी तबला प्लेयर के, वो डांस का प्रोग्राम चाहे, तबला प्लेयर के पीछे बैठ के सुने हैं, ऐसे ही बहुत सारे प्रोग्राम सुने हैं। तो उसमें हमने एक सुना था कि गुरु गुरु ही बहुत काम करना पड़ता है, गुरु के घर में पानी भरना चाहिए, और ये सब वो जो काम जो होते हैं, कोई पोछा मारना है, वो सब अलग अलग तरीके के, कोई साफ करना है खिड़कियां दरिकियां साफ के, कुछ काम करना पड़ता है। तो ऐसे पहले लोगों ने, जो गुरु शिष्य परंपरा है, तो गुरु के घर पे ही रहते, ये सब काम करके ने के बाद, सब दिन के काम होने के बाद शाम को दोपहर को जैसे गुरु जी का मन चाहे वो सिखाएंगे। तो ऐसे बहुत बातें हमने सुनी थी। तो मैं चाय पिया, और चाय लेके वो कप कप और ये जो होता था वो कप लेके मैं अंदर लेके जा रहा था, वो धोके रखेंगे अंदर जाके, ऐसे मेरे मन में था। तो माँ जी बोली अरे कहाँ जा रहे हो, मैंने बोला ये अंदर जा रहा हूँ धोके रखता हूँ। तो उसने उनके नौकर को हाथ बुलाया कि ये जाए यहाँ जाओ, चाय का कप लेके जाओ। तो और मुझे पूछा, मुझे अभी भी याद है, क्या नाम है तुम्हारा, मैंने बोला नीरज, पुणे से आते हो ना, मैंने बोला हाँ, किस लिए आते हो यहाँ। अभी मैं चौंक गया कि उनको मालूम है किस लिए आता हूँ, बांसुरी सीखने के लिए आता हूँ। तो मैंने ऐसे खाली मुंडी डाल के ऐसे खड़ा रहा। तो वो बोले कि किस लिए आते हो, बताओ किस लिए आते हो। तो मैंने बोला बांसुरी सीखने के लिए आते हो। तो उन्होंने सीधा बोल दिया वहां जाके बैठो रियाज करो, ये काम करने के लिए गए, घर चमे चार नौकर हैं। तो ये दैट विजन इज सो क्लियर कि मैं किस लिए जा रहा हूं, और ये इतनी ही शिक्षा नहीं है, ये आगे ये इसकी एक आदत सी पड़ गई। जिस तरीके से माँ जी ने मुझे पूछा, माँ जी ने मुझे बताया कि जाओ जाओ यहाँ सीखने के लिए आ दो, वहां जाके बैठो रियाज करो, पूरी जिंदगी में कुछ भी चले कैसे भी चले कि ये चीज मैं क्यों कर रहा हूं, चाहे मैं
रेस्टोरेंट में जाके आराम से अकेला कॉफी पी रहा हूँ, अकेला चाय पी रहा हूँ, तो मुझे मालूम है मैं क्यों कर रहा हूँ। घर में बैठ के पूरा दिन का रिकॉर्डिंग कुछ कर गया, चलो अभी बहुत कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, ये हुआ वो हुआ, वो मालूम है आपको कैसे होता है, एक चार म्यूजिशियन आगे, इसका एक मत होता है, इसका एक मत होता है, अरे बाबा नहीं यार ऐसा नहीं है, कभी कभी मेरी गलती होती है, कभी कभी और किसी की गलती होती है, वो एक कभी कभी तनाव पूरा दिन गया, तो चलो मुझे किसी से बात नहीं करनी है, कोई ऐसा एक छोटा सा रेस्टोरेंट पास में है तो कोई, तो हाँ वहां जाता नहीं है, वहां जाके एक चाय पी, तो मुझे मालूम है मैं क्यों का। तो ये चीज जो है वो क्लियर हो गई। तो ये गुरुजी का भी ऐसा ही है कि गुरुजी ने हमको जो सिखाया, तो एक-एक बात कि वहां जाने के बाद सिर्फ बांसुरी नहीं हमने सीखी, पूरी जिंदगी कैसे जिए ये सीखे, कोई गड़बड़ हो गई तो आज मेरा मन ठीक नहीं, तो कभी कभी होता है ऐसे कि गुरु जी बहुत दूर का एक लंबा सा अमेरिका का टूर करके आते हैं, अभी आपको मालूम है अमेरिका का टाइम जोन अलग होता है, यहाँ आने के बाद शाम को उनकी सुबह होती है, आपने यहाँ सुबह आए तो रात होती है, तो स्लीप साइकिल जो होता है, नींद का जो एक ये चक्कर होता है वो उल्टा बन जाता है पूरा, 2 महीने का 3 महीने का अगर टूर है, 2 महीने का तो हो जाता है कभी कभी, तो ये सब होता है, कभी कभी बुखार होता है। अभी मैंने परसों कहाँ तो सुना कि कोई एक आर्टिस्ट था, उस वो गया नहीं, उसने बोल दिया ऑर्गेनाइजर को कि मुझे थोड़ा बुखार है मैं आ नहीं सकता, तो ये मेरे लिए ये विचार करने के बाहर की चीज है कि ऐसा हो ही कैसा सकता है, क्योंकि मैंने 4-5 तो प्रोग्राम ऐसे ही बुखार में बजाए, और बचपन से आदत है कि वो जितना कम मेडिसिन ले लूँ उतना अच्छा है, ऐसा एक अपब्रिंगिंग में बोलो कि ऐसा है कि थोड़ा सा सर दर्द हो गया तो चलो सहन करो, इमीजिएटली गोली लेने की जरूरत नहीं, तो ऐसे गोली वगैरह कुछ नहीं, प्रोग्राम होता है तो पसीने में तो बुखार चला गया, पर हर एक 4 बार हुआ, 4 बार ऐसा हुआ, तो पर हर एक का होता है, ये शिक्षा जो होती है ये गुरुजी से ही मिली, कि गुरुजी का जो इंटीग्रिटी जिसको बोलते हैं ना, उसकी जो उनकी जो लगन है कि मैंने ये बोला है मैं करूंगा, तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें गुरुजी से, संगीत के बजाय और भी कोई चीजें सीखने के लिए मिल जाए, तो मैं वैसे मैं बहुत भाग्यशाली समझता हूँ खुद को, कि मेरी तो लायकी थी ही नहीं, अभी भी नहीं है शायद, लेकिन चलो जो भी कुछ हो गया वो हो गया अभी ये अभी फिर आपका वही जो मैंने शुरू में कहा, ये आपकी सहजता है जो आप तमाम उपलब्धियों को बहुत ही आसानी से कह दे रहे हैं। दादा ये भी जानना चाहेंगे, आपने हृदयनाथ जी का नाम लिया, हम जानते हैं आशा जी के साथ, उषा जी के साथ, तमाम सारे बड़े कलाकारों के साथ जो बहुत लोकप्रिय कलाकार हैं, जिनको आम संगीत प्रेमी भी जानते हैं, कई बार क्लासिकल म्यूजिक के बड़े बड़े लोगों को लोग नहीं जानते, लेकिन ये सारे नाम है, चाहे वो गुलाम अली साहब का नाम हो, सुरेश वाडेकर जी हो, त्रिलोक गुरटू जी हो, ये सारे नाम लोग जानते हैं, इन सब के साथ आपने काम किया है, ये अनुभव कैसा रहा? वो वहाँ तो अनुभव तो अच्छा ही था, और वो मेरा सौभाग्य रहा कि मैं उनके साथ स्टेज पे चढ़ के उनके साथ कुछ संगीत का हिस्सा बन सकूं। जगजीत अंकल थे, गुलाम अली साहब हैं, आशा ताई हैं, हृदयनाथ जी हैं, बहुत बजाय इनके साथ, तो उनसे सीखना भी बहुत मिला कि सिचुएशन आती है तो वो कैसे वो टैकल करते हैं, कैसे हैंडल करते हैं, और 35,000, 40,000, 15,000, 50,000 ऐसे बड़े बड़े ऑडियंस जब होता है तो 50,000 के 1 लाख जो आंख होती है वो आपके ऊपर होती है, तो वो जो पेलना जो बोलते झेलना, तो वो कैरी करना वो भी आसान चीज नहीं होती, तो ये उनके साथ रह के बहुत सीखना मिला, कि आशा ताई का मैंने रियाज सुना है उनका, तो उनका जब प्रोग्राम होता है तो उनका रिहर्सल चलता है, तो
मैं तो वो कॉलेज में ही था तब, जब मैं उनके साथ बजाया, तो लास्ट ईयर में था। तो एक पीस मेरा थोड़ा सा गलत बज गया रिहर्सल में, एक गाने का। नया था मेरे लिए, गाना भी थोड़ा नया था, और हमारे गुरुजी ने बजाए इतने मुश्किल चीज पीस ऐसे थे, वो बजाने थोड़ा सा एक हल्का सा, थोड़ा सा एक नोट यहाँ का वहाँ हो गया, तो सबके ध्यान में आया। आशा था कि ध्यान में आ गया, तो वो उतने ही बोली कि एक काम करते हैं ना, ये गाना वापिस एक बार लेते। तो मुझे कुछ नहीं बोली वो आराम से बोल सकते, अरे तुम ये जरा थोड़ा सा ठीक करके कल तैयार करके आना, थोड़ा गलती हो गया तो जरा देख लेना। और इसे तो बता रहे कि जो मुझे मालूम था मैं गलती कर गया, वो इमीडिएट समझ जाता गया था। तो वापस बजाया तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, तो एक बार हाथ से निकल तो वापस निकलता है, वापस बज गया। तो ये एक होती है कि एकदम जूनियर जो आर्टिस्ट है मेरे जैसे, एकदम उनके बेटे से भी मैं छोटा हूँ, तो उससे भी कैसे उन्होंने एक सम्मान से बोला कि वो मैं एक बार, कुछ बोले नहीं, सिर्फ एक बार वापस लेते हैं। अभी कितने बरस हो गए मुझे अभी तक तो याद है। तो ये ऐसी चीजें भी सीखने के लिए भी मिलती है, और ये अलग अलग चीजें होती है कि उनके घर में जाते थे हम, आदिनाथ भाई होते थे वहाँ, उनके साथ बातें करते रहते थे। तो अलग अलग से ये एक पर्सपेक्टिव जिसको बोलते हैं, तो एक हमारा जो पर्सपेक्टिव होता है एक वादक करके होता है, एक साधक करके होता है, लेकिन वो जो लोग होते हैं उनका एक्सपीरियंस और उनकी डेप्थ इतनी होती है कि जो हमको समझेगा नहीं वो उनको दिखता है, तो उनको दिखने के भी आगे होते। तो ऊंचे होते तो कोई भी आदमी ऊंचा ऊंचे जगह पे बैठ गया तो उसको पूरा सब दिखता है, ऊंचे बिल्डिंग से गया तो पूरा गांव दिखता है, रास्ते से मुझे ये गली दिखेगी, बिल्डिंग के अंदर तो मेरे सब बिल्डिंग का घर दिखेगा, इतना ही होता है। तो बिल्कुल वो ये लोगों का से बहुत होता है। गुलाम अली साहब एक बार पुणे में थे, 7-8 दिन उनके साथ रहने का मुझे वो तो बहुत मजा आ गया, पूरा एक उनका एल्बम उन्होंने यहाँ रिकॉर्ड किया, तो मैंने भी उसमें बजाया, उनके साथ भी बजाया, उसका रिकॉर्डिंग भी मैंने मैंने बजाया। तो उनके साथ रह के 8 दिन 9 दिन 10 दिन थे ऐसे वो पुणे में, तो उनके साथ रह के बहुत अलग अलग से कहाँ कहाँ के वो पूरे पुराने उनके पाकिस्तान के, जो जब हिंदुस्तानी था एक ही देश था, तब से लेके पंजाब में म्यूजिक कैसा था, वो सब तो हमने तो सब सिर्फ सुना है, उन्होंने देखा है, तो वो चीजें होते। उनको लेके मैं भीमसेन जी के पास गया था एक बार, उन्होंने एक दिन मुझे बोला गुलाम अली साहब ने कि मुझे भीमसेन जी से मिलना है, तो मैंने बोला एक 5 मिनट दीजिए मैं फोन करके कुछ बोलता हूँ उनसे। तो मैंने फोन किया, वो बोले कि ठीक है कल सुबह है तो कल सुबह आ जाना, तो मैं उनको लेके उनके घर गया था। तो ये दो दिग्गज अपने अपने क्षेत्र में और जिस तरीके से एक दूसरे से बात कर रहे थे, तो इतना प्यार इतना सम्मान था एक दूसरे के बारे में, एक दूसरे की गायकी में, और ये बड़े गायक जब एक दूसरे से मिलते हैं तो उनका एक कोई एक लेवल अलग ही बन जाता है। क्योंकि गुलाम अली साहब और उनका भी शास्त्रीय संगीत जो उन्होंने सीखा है पतियाला घराना का, और भीमसेन जी तो आपको मालूम ही होगा कि भीमसेन जी को पंजाब का बाघ बोलते थे, बाघ है ना, टाइगर, टाइगर ऑफ पंजाब, या ऐसे जाके शेर जैसे वहां जाके गाते थे, पुराने जमाने में थे वो पंजाब, यानी कि वो सब कराची और ये सब पूरा जी जो जी वो जी जी अभी वो सिंध पंजाब ये जो है ना उस साइड का लाहौर है और कहाँ है, छोटे छोटे गांव में जाके उन्होंने ऐसे ऐसे महफिल बजाए तो गाए हैं। तो ये गुलाम अली साहब और ये सब उनके गुरु, ये सब बहुत चर्चा हो रही थी, वो सुनने लगे थे। मैं तो ये मैं बोलूंगा कि सौभाग्यशाली था कि मुझे ये सुनने का भी मौका मिला। तो स्वरमंडल के बारे में उन्होंने बोला कि ये स्वरमंडल ये हिंदुस्तानी संगीत में आया कहाँ से, ये तो विदेशी इंस्ट्रूमेंट है, हारमोनियम जैसा है, तो हारमोनियम तो आ गया तो मालूम है कैसे आ गया, वो ऑर्गन के तरीके से आ गया, पियानो ऑर्गन उस दिशा में आ गया, तो स्वरमंडल कैसे आ गया। तो वो गुलाम अली साहब बोले कि वो बड़े गुलाम अली साहब को शायद कहाँ से तो मिला और उनका वो अच्छा लगा, उन्होंने यूज करना चालू किया, तो उनको फॉलो करके बहुत सारे लोगों ने फिर वो करना यूज चालू उसका उपयोग करना शुरू किया।
तो ऐसी ऐसी बातें सुनने को भी मिला, उसमें भी बहुत सीखना मिलता है। और यह सीख के खुद का कुछ करने का कुछ कोशिश करते हैं, तो वो जितनी सफल हो जाए ये उसके हमारा ऊपर वाले सौभाग्य के हाथ दादा में कि होता है। हमें आपसे बात करने और इन किस्से कहानियों को सुनने का मौका मिला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और इतने शानदार किस्से कहानी हमने सुने, बहुत बहुत धन्यवाद।